वो कहते हैं ना दोस्तों, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इसी उम्मीद के चक्कर में मैंने एक वेब सीरीज देखी जिसका नाम है द लास्ट ऑफ अस, वो भी हॉटस्टार पे। और सच बताऊं ना, मेरी उम्मीद पे 100% खरी उतरी ये वेब सीरीज। आपको क्या देखना है, पोस्ट एपोकलिप्टिक सीन देखना है वो भी मिलेगा इसके अंदर, आपको ड्रामा देखना है वो भी मिलेगा, आपको इमोशन देखना है, आपको ट्विस्ट और टर्न देखना है, आपको ज़ॉम्बीज देखना है, सब कुछ इसके अंदर भर भर के मिलेगा। तो कृपया करके इसे मिस मत कीजिएगा। ये एक ऐसी नशे वाली दवाई है ना, जो एक बार आप लोगे ना भाई साहब, धीरे धीरे इसका नशा जैसे ही चढ़ेगा ना, टोटल 9 एपिसोड है और 9 एपिसोड आपको इतना भर भर के नशा देंगे ना, आप एक ही चीज कहोगे मजा आ गया। इसकी स्टोरी, इसकी राइटिंग, इसकी जर्नी, जॉय और एली की कहानी, उन दोनों का बॉन्ड, उन दोनों का इमोशन, भाई साहब भर भर के आपको मजा दिलाती है ये वेब सीरीज। अगर इसकी आप कंपेयर करने जाओगे ऑल ऑफ अस डेड के साथ, तो याद रखिएगा कि ऑल ऑफ अस डेड एक स्पोर्ट्स कार की तरह है, यानी कि शुरू से ही वो जूम जूम जाती है, जबकि हमारी लास्ट ऑफ अस ये एक ट्रेन की तरह है जो धीरे 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 छुक 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 करते हुए बढ़ेगी, मगर जब ये अपनी स्पीड पकड़ेगी ना दोस्तों, तो ये बुलेट ट्रेन की तरह एकदम जिप सैप जूप जाएगी। याद रखिएगा, सीजन 1 में सिर्फ और सिर्फ इसके कैरेक्टर और इसकी स्टोरी बिल्डअप हुई है, अभी आगे जिस तरह से इसकी स्टोरी बढ़ेगी ना, वो सीजन 2 से हमें देखने को मिलेगा। तो कृपया करके आप ये सोचोगे कि ऑल ऑफ अस डेड जैसा हमें शुरू से ही मार काट खून खराबा देखने को मिलेगा, तो आप टोटली 100% निराश ही होगे। मगर आप अच्छे ड्रामा, अच्छी वेब सीरीज, अच्छी स्टोरी, अच्छी एक्टिंग और अच्छी राइटिंग वाली वेब सीरीज देखना चाहते हो ना, तो कृपया करके लास्ट ऑफ अस को मिस मत कीजिएगा। और इसे फैमिली के साथ तो कतई मत देखिएगा, वरना तो आपकी फैमिली के साथ आपके राड़े हो जाएंगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ये इंग्लिश में अवेलेबल है। अभी आप पूछोगे इंग्लिश में क्यों, क्योंकि इसकी जो गॉड फादर है ना, यानी कि हमारे गेम ऑफ थ्रोन, उसका हिंदी डब नहीं हुआ अवेलेबल, तो इसका कहाँ से होगा, इसका भी नहीं होगा ना। अभी दोनों के मालिक तो है HBO Max। अभी जब HBO Max इंडिया में टोटली अवेलेबल होगा, फिर वो पैसा खर्चा करके इसका हिंदी डब कराएगा, उसके बाद देखने को मिलेगा। तब तक इंग्लिश में ही एंजॉय करना, वरना तो आपको मजा नहीं आएगा। अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो मैंने देखो इसका PlayStation में गेम भी खेला है दोनों पार्ट, यानी कि Part 1 और Part 2, और जिस तरह से ये दोनों पार्ट ने मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट किया था, ये वेब सीरीज भी वैसी है, इसकी एक्साइटमेंट टॉप लेवल की है। और इसमें जो पेड्रो पास्कल ने एक्टिंग की है भाई साहब, वो ऐसे एक नंबर 1 एक्टर अभी के टाइम पे नहीं है भाई। उसने नार्कोस भी किया, उसने गेम ऑफ थ्रोन भी किया है भाई, उसने वंडर वुमन भी किया है भाई, ये हर जगह पे, ये बंदा कहीं पे भी डालो वहां पे फिट हो जाता है, और भाई क्या एक्टिंग करता है ये सच में हॉलीवुड का टॉप लेवल का एक्टर है। जिस तरह दूसरी वेब सीरीज में ज़ॉम्बी होते हैं, उसी तरह इसके अंदर क्लिकर्स होते हैं, और वो फंगाई से होते हैं। अभी फंगाई क्या है, कौन से क्लिकर्स है, उसके लिए तो ये वेब सीरीज देखनी होगी। अगर मैं कुछ और कहूंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, तो स्पॉइलर के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो कृपया करके वो देखिए। बाकी मेरी रेटिंग है 4 out of 5 और मस्ट वॉच की कैटेगरी में मैं इसे डाल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।